हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग परसेंटेज से कंप्लीट चैप्टर देखेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि मैंने सुपर टेट का एक सीरीज चलाया था। उसमें मैंने 8 पार्ट परसेंटेज के दे दिए और प्रत्येक पार्ट में एक टाइप का क्वेश्चन है और उस टाइप से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग जो है लैंग्वेज के साथ में। साथ ही साथ कुछ छूटे सवाल या कुछ जो भी हैं, पूरा चैप्टर का चैप्टर इसमें समाहित है। अगर आपने वो 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं और अगर आप पूरा परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, हम आपको कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर सिखाएंगे। और ये उन सभी एग्जाम्स के लिए है जैसे SSC, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, लेखपाल और पुलिस और इत्यादि जो भी एग्जाम्स आपके हैं जिनमें मैथ्स का पोर्शन आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है तो भी आपको पूरा लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 1-2 दिन से मैं लेक्चर नहीं डाल पाया। इसकी समस्या ये है कि लॉकडाउन की वजह से मैं इस समय विलेज में हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है इस समय थोड़ा जो है गेहूं है, साथ ही साथ सारी चीजें हैं, तो थोड़ा भी आंधी तूफान आता है तो तुरंत ही लाइट ये लोग काट देते हैं। तो लाइट ना होने की वजह से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि जो है आप सिस्टम मेरा काम नहीं कर पाया, चार्जिंग नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। बाकी आपकी जैसा है तो वो 2 दिन आप नहीं डाल पाए, इसलिए आप रिवाइज भी कर सकते थे साइंस वगैरह के जो भी लेक्चर्स हैं जो आपको बहुत ही, और बाकी आप भी जो है रिवाइज कर सकते थे। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चे जुड़े रहते हैं, वो सारी चीजें पूछते भी रहते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर, ठीक है। देखिए यहां से मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़ा सा लेवल ऐसे करके लिया हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा साथ देना कि क्योंकि ये लेक्चर जो है आपको बॉटम टू टॉप पर ले जाएगा। धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है जो भी परसेंटेज से बन सकते हैं, सारे एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप का मैंने ले लिया है इस लेक्चर में, जो कि परसेंटेज को पूरा कवर करके आपको दिखाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है यदि एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है तो वाई का मान एक्स के मान से कितने परसेंट अधिक है। अगर आपकी इसके लैंग्वेज में जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, मैंने दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बताया था। जब सब फर्स्ट टाइप जो मैंने पढ़ाया है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। जैसे यहाँ पर दो एक बात पहले तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं यदि एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, एक्स का मान वाई से कम है तो वाई को हमको 100 मानना चाहिए और 25% कम है इसका मतलब ये 75 है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कम हो तो वाई का मान यक्स के मान से अधिक है, यानी कि कितना अधिक है, कितना अधिक है वाई के मान से, कितना अधिक है वाई का मान एक्स के मान से, कितना अधिक है। देखो भाई वाई का मान जो है एक्स के मान से कितना अधिक है, आपको दिख रहा होगा भाई 25 अधिक है। कितने से अधिक है, अब यहां पर 100 मत कहना, क्योंकि 100 से अगर अधिक होता तो वैल्यू 125 होती, अधिक जो है वो 75 से है, तो यहां पर हम लोग को 75 लिखना पड़ेगा, गुणे में लगाने पड़ेंगे 100। 25 एक कम 25, 25 दिया 75, 1/3 गुणे में 100, या 100 एक कम 100/3, 100/3 जब हम लोग भाग करेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये एक एक्चुअल तरीका है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक शॉर्टकट मैंने इन सवालों के लिए बताया था कि जब कभी भी आपको 1% दिया गया हो, और यहां पर कहा जाए जब परसेंटेज दिया गया हो जो भी एक बार, केवल एक बार, और उसके साथ अगर कम लिखा है तो यहां पर वो आपसे अधिक पूछेंगे, अगर पहले अधिक लिखा है तो लास्ट में आपसे कम पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप के, यही वाला क्वेश्चन दो टाइप से। देखो जैसे 25% कम है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 25% अधिक है, तो फिर आपसे पूछेंगे कितने परसेंट कम है, तो दो चीजें पूछ जाती हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि गिवन परसेंटेज यानी कि जो भी परसेंटेज दिया गया है वो हमको लिखना है, यानी कि एक्स परसेंटेज जो भी दिया गया है एक्स बटे में 100 ± x गुणे में क्या लगाना है 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट में तरीका में, यानी कि जो परसेंटेज दिया गया उसको वैसे ही लिख लो। जैसे यहाँ पर 25% दिया गया तो हम लोग को 25 ऐसे ही लिखना है, बटे में देखो यहाँ 25% कम है, कम कहे तो 100 में से घटा दो और ज्यादा कहे तो 100 में जोड़ दो, तो यहाँ पर कम कहा गया इसीलिए हम लोग 100 में से घटा देंगे, तो यहाँ 75 और गुणे में क्या है 100, 25 से कम 25, 25 से यहाँ 75, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3 जो हम लोग भाग करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ आपको आई बटन आ रहा होगा वहां पर भी चेक कर सकते हैं,
और जो लास्ट के वीडियो में आता है वहां पर भी चेक कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं सुपर टेट मैथ्स क्लासेस बाय अतुल सर, यहाँ से हाईवे क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। लिस्ट बना दी रखी है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक नहीं ले पाया तो यहाँ पर कवर हो जा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 8 लेक्चर देखे, ये नवा लेक्चर जरूर देखें। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने क्या किया, उसको 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसने 3/5 कर दिया, गुणा बताइए। कि एक संख्या है उसमें गुणा जो है 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसने जो गुणा की है वो 3/5 से की है, ओके। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि भाई गलती क्या हो गई, कह रहे कि भाई एक संख्या थी उसमें उसको गुणा करनी थी 5/3 से, लेकिन गलती से हो गई गुणा 3/5 से। अब कितने की गलती हुई है प्रतिशत में ये आपको बताना है, कहीं से हमें ये पता चल जाए कि वो संख्या क्या है। उस संख्या को मानने के लिए आप ध्यान रखें सदैव, जो हर होता है, जो हर उसका हम लोग लासा लेते हैं, तो 3 और 5 का लासा कितना होता है 15, तो हम लोग 15 यानी कि वो संख्या क्या थी 15। अगर 15 में आप 5/3 से गुणा करते तो 3×15 वो संख्या आपको 25 मिलती, लेकिन हुआ क्या 15 में गुणा हो गई 3/5 से, यानी कि 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, यानी कि 25 की जगह 9 आ गया। तो गलती कितने की हुई बताओ, 25 की जगह 9 आया है, गलती कितने की हुई, तो आप देख लीजिए 25 में से घटाइए, 15 में से 9 गया 6 और 1 बचा, 16 की गलती हुई, कितने पर हुई 16 की गलती, 16 की गलती हुई गई भाई, गलती हो गई 16 की, यानी कि 25 लाना था वहां 9 आ रहा है, तो गलती तो हुई है, तो कितने की गलती हुई 16 की, कितने पर हुई ये चीज समझना है आपको। गलती हमेशा प्रारंभिक मान पर ही होती है, यानी कि 25 के स्थान पर गलती हुई, तो यहाँ पर बटे में 25 गुणे में लगाने 100, क्योंकि हमको जवाब जो देना है वो प्रतिशत में देना है, तो 25 × 100 और 16 × 64 यानी कि 64% की गलती हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही डील करते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा किसी संख्या को हमने 4/5 से गुणा करना था, उसकी जगह पर 5/4 से गुणा हो गई, तो वो संख्या बताइए, तो आप तुरंत क्या करना, 4 और 5 का एलसीएम 20, यहाँ 5 × 20 = 16, और यहाँ पर 20 वो संख्या, 4×5 = 25, 16 की जगह 25 आ गया, कितना का घटा हो गया 9 का, कितने पर 16 पे गुणे में लगाना 100, तो यहाँ से ऐसे भी सॉल्व करना। ये सवाल आपको ऐसे भी बन के आ सकता है, कैसे, कि किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने की जगह 3/5 से भाग कर दिया गया। अब देखो यहां पर गुणा है, लेकिन बात एक ही, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही ये क्वेश्चन है, देखो कैसे, कि किसी संख्या में 3/5 से गुणा करना था उसकी जगह 3/5 से भाग कर दिया, 3/5 से भाग करने का मतलब है जहां पर भी भाग का निशान हो वहां गुणा लगा लो, बस वैल्यू बदल लो, 5/3 कर लो, यही तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई भाग का मतलब क्या होता है, कि इसी संख्या में अगर आपको भाग करना है तो भाग की जगह गुणा का साइन लगाओ, और जो अंश में लिखा है उसको हर में ले जाओ, जो हर में लिखा है उसको अंश में ले आओ, ये हमको गुणा भाग में सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, वहां पर भी घबराना नहीं है कि 3/5 से गुणा करने की जगह पर 3/5 से भाग कर लिया गया, ठीक है, तो भी वो कोई समस्या नहीं है, तो आप क्या करना, भाग की जगह पर गुणा लगाना और 5/3 लिख लेना, ठीक है, बस फिर वही प्रोसेस, 5 और 3 का एलसीएम यहाँ पर, और फिर वो ही आपकी प्रोसेस रहेगी। तो ये सवाल दो टाइप का बन जाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है हूबहू करवाया है, तो इसका कोई बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि a+b का 15% बराबर a-b का 25%, तो b का कितने परसेंट a के बराबर है, तो यहां पर एक चीज आपको समझना चाहिए, जिसका कहा जाता है उसको वैल्यू जो है बटे में ले आते हैं, का की वैल्यू बटे में ले आते हैं, और से जिसके साथ से लगा हो उसको भी बटे में ले आते हैं, ठीक, जैसे अभी बताएंगे। यहां से देखो जो कटने वाला है तो काट देते हैं, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15 और 5×5 = 25, 3 से गुणा कर लो इधर, यहां 3 से गुणा करोगे तो 3a+3b बराबर, यहाँ गुणा करें 5 से, 5a-5b, ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a a एक तरफ कर लेंगे, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3b है और यहाँ पर माइनस का 5b है, तो ये माइनस का 5b कम है तो वो इधर आएगा, तो 3b यहाँ पर ऐसे रहेगा, माइनस का 5b जब इधर आएगा तो प्लस का 5b हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर बराबर के इधर या उधर होती है वो साइन चेंज करती है, यहां बीच में ये बराबर लगा हुआ है, देखो ये 5 है इधर रहेगा, और ये प्लस का 3a है, ये बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा। अब समस्या, एक सवाल है, आप यहां से ये भी उठा सकते हैं कि माइनस का 5b ही इधर क्यों गया, ये 3b इधर क्यों नहीं जा सकता है,
ये भी जा सकता है वो भी जा सकता है, कैसे भी कर लो। अगर इस 3b को इधर ले आया हुआ है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले पूरा इसको प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पर 3b और 5 कितने b हो गए, यहाँ पर 8b हो गए, और यहाँ पर 5a में से 3a गया, कितना 2a बचा। यहाँ से 2 कम 2 और 2 चक्कू 8, यानी कि 4b बराबर 1a बोल सकते हैं या केवल a बोल सकते हैं, देखिए 4b बराबर a आया है। तो यहाँ पर ऐसे भी किया जा सकता है क्या, देखो कैसे एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा कभी जिंदगी में। अब देखो बहुत लोगों को डर लगता है ना इधर उधर ले जाने में कि कोई गलती ना हो जाए, यार गलती कुछ नहीं हो, जो करना चाहो वो करो। जैसे यहाँ प्लस का 3a था वो हमने लिखा रहने दिया, अब ये प्लस का था 5a उसको हम लोग इधर ले गए तो ये माइनस का 5a हो गया बराबर में, ठीक है बराबर में ये माइनस का 5b लिखा था वो हमने 5b ऐसे लिखा रहने दिया, और ये प्लस का 5 3b था इस 3b को उधर ले गए तो ये माइनस का 3b हो गया। भाई प्लस का था बराबर के उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, किधर किसको भी किधर भी ले जाओ, बस ये ध्यान रखना है कि साइन चेंज करता रहना है। अब देखो यहाँ पर माइनस के 5a हैं, प्लस के 3a, तो बचेगा जो आपके पास माइनस का 2a बराबर माइनस का 5b माइनस का 3b, तो होगा माइनस का 8b, माइनस माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, यहाँ पर a बराबर आपका आ गया 4b, और जो पहले आया था वो आया था 4b बराबर a, ए बराबर 4b का हो या 4b बराबर ए को कोई मैटर नहीं करता है। अब एक चीज यहां पर और समझना, ए का मान अगर हम आपसे पूछे कि बी का मान कितना है, तो बी का मान ये 4 नहीं है, ए का मान ये 4 है, यानी कि ए बराबर कितना 4, और बी बराबर जब यहां पर कुछ नहीं लिखा होता वो 1 लिखा होता है, यानी कि बी बराबर कितना 1। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी का कितने परसेंट ए के बराबर है, तो ए के बराबर है, यानी कि बी का कितने परसेंट, अब जिसका कहेंगे उसको बटे में लेना है बाकी ऊपर रहना है, तो बी का यानी कि बी को बटे में लेना, बी का मान कितना 1, और ए का ए के कितने परसेंट बराबर, ए का मान है 4 गुणे में लगाएंगे 100, यानी कि 4 गुणे 100 यानी कि 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती यहां पर बहुत संभावना है होने की, कि बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे 1/4 गुणे में लगा देंगे 100, 25% राइट आंसर करेंगे और फिर कहेंगे हमारा आंसर नहीं आता, वो तो शुक्र करो कि यहाँ पर ऑप्शन 25% का नहीं है, नहीं तो गलती होने की पूरी चांसेस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, एक जैसे ए बराबर आपका यहाँ 4 आया है और बी बराबर ए आया, तो यहाँ दोनों बातें करती हैं कि मैटर करता है, कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं उन्हें ये मतलब नहीं है कि किसके साथ का है किसके साथ से है, उन्हें तो बस यही दिखता है कि जो छोटा है वो ऊपर और बड़ा नीचे, गुणन लगाओ 100, यही हमारा आंसर। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पूरा एक नियम के साथ चलना पड़ेगा। अब ये यहाँ से कैसा आता है से, और जिसके साथ में से लगा होता है उसको ले जाते हैं बटे में, और जिसके साथ में लगा होता है का उसको ले जाते हैं बटे में। एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कहीं एग्जाम में, मैंने ले लिया है, 3/5 को प्रतिशत में बताइए, बड़ा सिंपल सी बात है भाई, 3/5 को परसेंट में बताना है तो गुणे में 100 लगाना है, बस सिंपल सी बात है, 5 से काट दो 20, 20 60%, तो ये छोटी सी बात है वो हमने बता दी आपको। परसेंटेज अगर भिन्न को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं गुणे में लगा दो 100। देखो जैसे हम आपसे पूछे कि भाई 1/5 कितने परसेंट, तो 5 100 से गुणा कर लो, 20% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 80% का भिन्न बनाना है तो बस परसेंट हटा के यहाँ पर 100 लगा लो, 0 0 काटो 2 चौक 8 5, यानी कि 4/5 परसेंटेज को अगर भिन्न में बताना है तो बटे में 100, और अगर भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुणे में 100। छोटी सी बात है ये, काफी बार आपने सुनी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए क्वेश्चन, कई बार लोग गलती कर देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भी ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, यानी कि जो आपके पास ताजा फल है एकदम फ्रेश ताजा, उसमें पानी जो है वो आपका 68% है पानी, और कह रहे हैं जो आपके पास सूखा फल है मतलब सूखा उसमें भी पानी है लेकिन वो पानी है 20%, ठीक है ये भी पानी है। फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई 100 किलोग्राम ताजा फल है, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है 100 किलोग्राम एकदम ताजा फल है, ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक चीज समझो पहले, जैसे हमारे पास एक तरबूज है, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, तो तरबूज में आपने देखा होगा ज्यादातर तो पानी होता है। अच्छा तरबूज में जो सूखेगा, आपने एक तरबूज एकदम जो है ताजा सा लाए तो उसमें देखेंगे ज्यादातर पानी होगा, लेकिन उसी तरबूज को अगर 10 से 20 दिन बाद देखा जाए धूप में रख दें तो वो जो कम होगा पानी कम होगा, पानी वाष्प हो जाएगा,
लेकिन उसके अंदर के जो बीज हैं, बीज में भी पानी होता है, और जो उसके अंदर पल्प होता है, पल्प में भी पानी होता है। तो जो कम होता है वो कम होता है, क्या कम होता है ध्यान रखना, जो कम होता है वो हमेशा पानी कम होता है। पल्प कभी कम नहीं होगा, पल्प जितना है उतना ही रहेगा, कम क्या होगा पानी। तो हमें दोनों तरफ जो रखना होगा वो पल्प रखना पड़ेगा। क्या पल्प, जो उसके अंदर जो बना होता है पल्प, जो उसके अंदर मलबा टाइप में होता है उसको पल्प बोलते हैं। तो उस पल्प को हमको इक्वल करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बताएंगे आपको क्या करना है। देखो, इधर ताजा फल लेना है और इधर सूखा फल लेना है, दो बातें कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो बराबर होगा, इधर क्या रखा जाएगा, इधर पल्प रखा जाएगा, मतलब उसके अंदर का जो मलबा है पल्प, ठीक है। और इधर भी पल्प आपको रखना पड़ेगा, दोनों तरफ पल्प रखना पड़ेगा। अब पल्प रखेंगे कैसे, जैसे हमने कहा कि किसी किसी तरबूज में या किसी किसी भी फल में 80% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 20%। बड़ा आसान है। अगर हमने कहा कि खरबूजे में 70% पानी है, तो भाई बताओ पल्प कितना है, 30%। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमने कहा कि एक सूखे फल में 20% पानी है, तो बताओ पल्प कितना है, 80% है। अगर पानी 20% है तो पल्प 80%, अगर पानी 40% है तो पल्प 60%। क्लियर है सभी को? तो एक तरफ हमको लेना है ताजा फल और एक तरफ लेना है सूखा फल, ठीक है। और जो बराबर करेंगे वो हम इसका करेंगे, पल्प को बराबर कर देंगे। दोनों तरफ पल्प की मात्रा बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ पल्प होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे कि ताजे फल में जो पानी की मात्रा है वो 68% है, और सूखे फल में पानी की मात्रा 20%। 100 किलोग्राम ताजे फलों में सूखा कितना प्राप्त किया जा सकता है? तो ताजा फल है हमारे पास 100 किलोग्राम, अब ताजा है ये, और ताजे में पानी कितना है, 68% है। तो इसमें अगर पानी 68% है तो इसका पल्प कितना होगा, 32%। भाई भाई तुरंत बराबर, बराबर में क्या, सूखा फल, और सूखा फल की मात्रा हमें पता नहीं है तो इसलिए हमें सूखा फल हमने एक्स मान लिया। और सूखे फल में पानी कितना है देखो, तथा सूखे फल में 20% है। देखो, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20%। अगर सूखे फल में 20% है तो 80% क्या होगा, पल्प होगा। दोनों बातें हमको इक्वल करनी है। देखो, इधर भी ये पल्प लिखा हुआ है, इधर भी ये पल्प लिखा हुआ है। एक तरफ ताजा फल लिखा जाता है, एक तरफ सूखा फल लिखा जाता है। आपसे दो बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सूखा फल दे के ताजा फल पूछ लेंगे कितना है, या ताजा फल दे के सूखा फल पूछ लेंगे कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको एक तरफ ताजा फल एक तरफ सूखा फल, और बराबर जो करना है वो पल्प। जैसे यहाँ पर 68% पानी था तो हमने तुरंत देख लिया पल्प कितना, 32%, और यहाँ पर सूखा फल पूछ रहे थे x, तो हमने सूखा फल x मान लिया है, और सूखे फल में पानी था 20%, इसका मतलब पल्प है 80%। ये देखो, परसेंट से परसेंट कट गया, 1 0 से ये वाला 1 0 कट गया, 8 1 8 और 8 4 32 और 4 2 47 40, और ये किलोग्राम बराबर x, यानी कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है खुद कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स करिएगा, ओके, कमेंट जरूर करिएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीम ने 40 खेलों में खेले, 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीत जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। बड़ा आसान है भाई, 40 गेम खेले और 24 जीते, तो 24 जीते कितने में से, 40 में से गुणे में लगा लो 100, 0 0 काट दो, 4 3 24, 6 7 60% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास ये कर रहे थे, विवेक जानकर ये जानना चाहता था कि भाई आपको परसेंटेज का ज्ञान है कि नहीं है। जैसे अगर आपसे ये ऐसा क्वेश्चन होता कि भाई एक जो टीम ने 40 गेम खेले हैं और उसमें से वो 20 जो है, सॉरी उसमें से मान लेते हैं वो 16 गेम हार गया, क्या हो गया, हार गया, तो जीते हुए गेम का प्रतिशत बताइए। तो अब ये नहीं करना है 16/40, अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई 40 हैं और 16 हम हार गए तो जीते कितने। 40 में से 10 जाएगा 30, 30 में से 6 जाएगा 24, यानी कि 24 जीते हैं कितने में से, 40 में से गुणे में लगाएंगे 100, 0 0 4 6 24, 6 3 60। ऐसे भी लैंग्वेज हो सकती थी इसकी, तो कैसे भी करके पूछे, जो पूछेंगे उन्हीं को बताएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उसी मूल्य पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी।
तो अभी हमने आपको जस्ट पहला क्वेश्चन यही आपको समझाया कि एक बार जब परसेंटेज दिया जाए और एक बार आपको परसेंटेज के साथ कम या अधिक देंगे, जैसे यहाँ पर कम दिया गया तो यहाँ पर देखो आपसे वृद्धि दे रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर वृद्धि दी होती तो यहाँ पर कम कर दिया गया होता। तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया x बटे 100 प्लस माइनस x गुणे में लगाओगे 100, ये आपकी एक ट्रिक टाइप में है। तो यहाँ पर गिवन परसेंटेज 25 और 25% में कम करना है, 25% यानी 75 गुणे में 100, 25 थी 75 और 100 बटे 3 को मतलब हम कहते हैं 33 सही 1/3%, जब हम लोग भाग करेंगे तो आपको 33 सही 1/3% यहां से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से नाम भी यूज कर सकते थे, रामू श्यामू गजोधर कल्लू जो भी नाम यूज करना चाहे वो भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ए बी सी। कई बार हम कहते हैं जो भी नाम दिया जाए पहले उनको आपको नाम को लिख लेना है, फिर आप देखो क्वेश्चन कहाँ से डील करना है। अरे कि ए जो है सी से 50% बड़ा है, अरे ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी से 25% बड़ा है, यानी कि जो बी से है बी सी से 25% बड़ा है, बी जो है वो सी से 25% बड़ा है। बस अब हमको मतलब क्या तरीका कि सी को ही हमको 100 मानना है। अब यहां से देखो कि जो ए है वो सी से 50% बड़ा है, यानी कि सी से 50% बड़ा है, इसका मतलब ये 150 है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो बी है, ये वाला जो बी है ये सी से 25% बड़ा है, सी से अगर ये 25% बड़ा है तो ये 125 है। बड़ा आसान तरीका था यहाँ पर इस क्वेश्चन का, काफी क्वेश्चन इस तरीके से आपको फंसा भी सकते हैं, तो फंसने का नहीं, बस आपको नाम लिखना है और अपना काम करना है। तो फिर आप देखिए पूछा क्या है, कह रहे ए बी से कितने परसेंट बढ़ा है, कह रहे जो ये ए है वो बी से, अब किससे, देखो यहाँ देख लीजिए ये बी से लिखा हुआ है, जिसके साथ लिखा होता है से उसको हम लोग ले जाते हैं बटे में, बी से कितना बड़ा है, तो बी से देखो कितना बड़ा है, 25 बड़ा है, कितने से बड़ा है, 125 से, गुणे में लगाएंगे 100, 25 से कम 25, 25 पंचे 100, 5 से काट दिया 100 को, 20% राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक लेक्चर जाना नहीं, बाद में भी देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप बाद में भी कर लेना। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, यानी कि देखिए क्वेश्चन समझिए कि भाई किसी कार्यालय में जो है वो कार्यालय में स्टाफ का जितना भी स्टाफ है उसमें 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने कहा कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, तो देखो अगर 100 हैं स्टाफ तो 40% महिलाएं, इसका मतलब महिलाएं कितनी 40 और पुरुष कितने हैं 60। ये इधर हम लोग पी से पुरुष लिखते हैं या मेल लिख लो और इधर फीमेल लिख लो, ठीक। अब कहा जा रहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो अगर महिलाएं जो है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है तो हमको तो अविवाहित करना है ना, तो कैसे भी करके निकाल लो। बहुत से लोग ऐसे निकालेंगे भाई ये फीमेल 40 है तो 40 का 70% निकालेंगे, बटे में लगाएंगे 100, फिर 2 से 0 ये काटेंगे, 4 से 28, इसका मतलब 28 लोग जो है वे विवाहित हैं, फिर 28 को 40 में से घटाएंगे, बहुत बड़ी नौटंकी है। इसका चीज डायरेक्ट यहाँ पर समझिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर बताते हैं, तो आपको अविवाहित का निकालना है ना, तो इसीलिए आप समझिए इस चीजों को, समझिए 70% महिला विवाहित है, इसका मतलब अविवाहित कितनी है 30%, तो 40 का 30% निकालेंगे जब हम लोग, 40 का 30% तो 4 × 3 = 12 आएगा, 40 का 30% भी निकालना बड़ा आसान है, तो यहाँ पर 4 × 3 = 12 परसेंट परसेंट, तो जो जीरो भाई ये परसेंट हटा के यहाँ 100 लगा लेते हैं, एक बार देखो 1, 2 जीरो कट जाता है, 4 × 3 = 12, कभी भी आपको 2 जीरो लगे और उसका परसेंट निकालना तो गुणा कर लो सीधे, जैसे 4 × 3 = 12, यानी कि 12 अविवाहित हो गए महिलाओं में। और पुरुष में देखिए, पुरुष का 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, अगर 50% विवाहित है तो अविवाहित भी कितना होगा 50% होगा, तो 60 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, क्लियर है सभी को ना, 30 एकदम से, चलिए ठीक यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 30 जो अविवाहित है और 12, यानी कि आपसे पूछ रहे कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना है, तो 30 पुरुष अविवाहित है, 12 महिलाएं अविवाहित है, तो टोटल हो गए 42, कितने में से है, तो ये कितने में से स्टाफ कितने का था आपका, 60 महिलाएं थी और 60 जो है पुरुष थे और 40 महिलाएं थी, यानी कि जो स्टाफ था वो 100 का था, गुणे में लगाएंगे 100, 100 से 100 कट गया,
42% राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं। यानी कार्यालय में जो अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत है वो कितना है, वो 42% है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 1400 छात्र हैं, 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, तो इनमें से 25%, अगर हम 1400 का 25% निकाल दें, दो जीरो लगा के, 25 चक्कू 100 और 25 से कम 25 और 10 35, यानी कि 350, इसमें से 350 क्या है, चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो 2/7 अगर हम इसका करना चाहें, 7 बच्चे 35, 50 दूना 100, यानी कि यहाँ पर 100 जो हैं वो लड़के हैं। ठीक, लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो देखो भाई अगर आपके पास 1400 छात्र हैं और 25% चश्मा लगाते हैं, यानी कि चश्मा टोटल कितने लगाते हैं, 350, और जिसमें से 2/7 लड़के हैं, तो जब हमने 2/7 किया तो 100 लड़के निकल के आ गए, और इसका मतलब अगर अगर 350 में से 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, 250, इसका मतलब ये लड़कियां कितनी चश्मा, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। बड़ा आसान सवाल था, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये करने का तरीका है जो आपको धीरे धीरे सीखते रहना है, जिन लोगों को मैथ कमजोर लगता है या उन्हें डर लगता है ऐसी बातें लगती हैं। तो यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो जब मैंने आपको यहाँ पर पीछे सिखाया था तो उसमें ये टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, तो देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो छोटे मोटे होते हैं क्वेश्चन, वो सारे हो जाएंगे। आपसे बताना है कि नए भिन्न बताइए, तो देखो भिन्न को हम लोग यक्स बटे वाई मानते हैं। ठीक है, यक्स क्या है, अंश है, और वाई क्या है, हर है। तो आप देख रहे हैं कि भाई अंश में 20% की वृद्धि, अब 20% की वृद्धि करोगे तो वो हो कितना जाएगा, 120% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, और बटे में हर में 5% की कमी, तो वो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, और इस प्रकार जो नई भिन्न है वो 5/2 हो जाती है, 5/2, बस परसेंट परसेंट काट दो। अब इसको हम लोग कितने से काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 से काट दो यहाँ 19 आ जाएगा, और इसको 5 से काट दो यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना सिंपल से। अब देखो, अब यक्स बटे वाई बराबर यहाँ से 19 पंचे 95 और 24 दूना 48, यानी कि अब ये वैल्यू नहीं कट रही है, तो यक्स बटे जो वाई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 95/48, इसका राइट आंसर हो जाएगा 95/48। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, 95/48 यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि एक भिन्न है उसका जो है अंश में 100% की वृद्धि, जब भी 100% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगा 200%, और हर में 300% की वृद्धि, तो हर में 300% की हो जाए करोगे वो 400% हो जाएगा। कोई भी चीजें हो, अगर आपको वृद्धि करनी है तो 100 में जोड़ दो, अगर आपको कमी करनी है तो 100 में घटा दो, सिंपल। 100% की वृद्धि करनी है तो 100 में 100 जोड़ोगे, 200% हो जाएगा। इस प्रकार जो भिन्न नई भिन्न है वो मान लेते हैं 5/3 हो जाती है, तो पुरानी भिन्न क्या थी, परसेंट परसेंट काटो, 2 जीरो यहाँ से काट दो, यहाँ से 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, या 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10/3, ऐसे करके बहुत सारे जो है भिन्न टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लगाना, मैंने आपको एक हिंट देते चलते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं यहाँ पर, और इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर मैंने पूरा एक लेक्चर बताया है, तो वहां पर वो जरूर देखना, रिविजन के लिए लेक्चर आपके लिए अच्छा है। जैसे यहाँ पर आय हो गई, ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं, फिर सॉरी यहाँ पर बचत के आप पहले खर्च लिख लो, भाई कमाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। अब इस पूरे सवाल में हमें यही नहीं पता है कि हमारी आय क्या है, पता है कहीं पे नहीं, तो तुरंत आप मान सकते हो कि भाई आय जो है इस बंदे की 100 है। अगर इसने 100 का, यानी कि अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, अगर हम 100 का 75% निकालेंगे तो वो 75 ही निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब उसने कितना खर्च कर दिया है, 75। अब आप बताइए 100 में से अगर आपने 75 खर्च कर दिया तो कितना बचाया है, 25। ठीक, फिर कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, ये देखो उसकी आय 20% बढ़ गई, अगर आय 100 थी 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120 करें, और उसकी खर्च भी 10% बढ़ गया, पहले खर्च कितना था 75, अब खर्च 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, 85। और ये जो 85 जिसने भी लिखा है यही गलती की है यहाँ पर, क्योंकि
उस बंदे ने जिसने ये देखा, जिनको पता है, अच्छी बात है, जिसने उन्हें देखा कि अगर आज 100 थी, 20% बढ़ी, तो 100 में 20 जुड़ गए, 120 हो गए। अब देखो 75 में 10% बढ़े, तो 75 में 10 हो गए, 85 हो गए। ये गलत हो गया यार, गलत हो गया। तो कई बार बोलते हैं, कई बार सिखाया है कि ये चीजें बहुत से दिमागों में ये है कि 100 में 20 जुड़े हैं, जुड़े नहीं है भाई, कटे हैं। कैसे? देखो 100 थी, 20% बढ़ेगी तो 120% हो गई, और परसेंट आके 100 लगाया, ये 100 से 100 कटे हैं। तो आपको कहीं पर दिख रहा है कि जुड़े हैं? नहीं, 120% हुआ था यार। तो ये चीजें ना करो, ठीक? तो बस आपकी यार जो खर्च जो 75% था, और खर्च में हमको कितना बढ़ाना है, खर्च में जो है हमको 10% बढ़ाना है, उसका खर्च भी 10%। 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा, परसेंट आके यहाँ 100 लगाएंगे, 25 3 75 और 25 चक्कू 100, ठीक है? अब यहाँ से काट दो, 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि 110 का आधा करोगे 55 आ जाएगा, 55 का 3 से गुणा करो, यानी कि 3 5 15 3 5 15 116, और बटे में कितना है, 2 2 से भाग करो, 2 8 16, 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है? इतना तो कर लोगे, 82.5 क्या आ गया हमारा, नया खर्चा आ गया, ठीक है? कोई समस्या नहीं, बस आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लोगे। बस 75 था, 110 बटे 100, 0 0 काटा, यहाँ पर 5 से भी काट सकते थे, या कैसे भी करके काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर एक तरीका और हम बता देते हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पर 82.5 आया, वो भी आ जाएगा, सीख लीजिए, क्योंकि सीखना जरूरी है, गलती ना करो। आया 75, खर्च 75 थी, 10% बढ़ाया, 110% हो गया, 0 0 काट गया, क्योंकि दिमाग में ये भी चल जाता है। तो 11 5 55 के 5, और 11 7 77 और 5 82, और ये बटे में जो 10 है, और 10 से भाग करना, तो 82.5, ये भी तरीका अच्छा है। तो बस अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है, बताइए कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले कितनी थी बचत, 25, अब यहाँ पर बचत कितनी आई वो निकालो, पहले बचत कितनी आ गई, कमाया कितना 120, खर्चा कितना किया 82.5, तो 120 में से 82.5। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा के ये 0 मैंने पहले लगा लिया, क्यों? क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ता है। अब यहाँ से एक हासिल लोगे, यहाँ 10 होंगे, 10 में से इधर एक हासिल जाएगा, इधर भी 10 हो गए, 10 में से 5 जाएगा, घटाना आता है सभी को, उम्मीद है। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, यहाँ पर हो गया 5, अब यहाँ बचे होंगे 9, 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया कितना 7, यहाँ दशमलव तो अपनी जगह पर, यहाँ बचा होगा 1, यहाँ एक जगह यहाँ हासिल होगा 11, 11 में से 8 गए 3, यानी कि 37.5, कितना आ गया 37.5 आ गई हमारी बचत, ठीक? अब हमसे पूछ रहे हैं कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप खास कर ध्यान करके देखें, पहले बचत कितनी थी 25, अब कितनी बचत है 37.5, तो कितने की वृद्धि हो गई, 12.5 की वृद्धि हो गई, कितने पर हो गई 25 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100। हमेशा जो बढ़ता या घटता है वो हमेशा प्रारंभिक मान पर ही बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी होती है वो होती है, ठीक है? यानी कितने से बढ़ी है, 25 से बढ़ी है, जिससे बढ़ती है उसको हम लोग बटे में ले आते हैं। बस अब आपको क्या करना है, भाग करना है, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा सकते हैं, सिंपल से, 25 से कम 25, 25 5 100, 25 5 125, अब ये 0 से 0 काट दिया, और 10 गुणे 5 यानी कि 50% राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50%, सेकेंड इज द राइट आंसर। और इस टाइप के मैंने 10 क्वेश्चन आपको लिए हैं, और 10 क्वेश्चन समझाए, सोचो जिस बंदे को ये एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन समझाए जाए, क्या फिर भी मैथ समझ में नहीं आ सकता यार, आएगा, पक्का आएगा। तो जाइए और अच्छे से पढ़िए अपने सुपर टेट सीरीज को, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की, तो ये चीज समझिए चीजों को, कि मैथ वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नितिन के वेतन 10% की कमी कर दी गई तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, उसके आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया परिवर्तन क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद जानते होंगे, कभी भी अगर आपको 10% की वृद्धि आ जाए और फिर 10% की कमी आ जाए, तो उसके लिए मैंने आपको इन शॉर्ट एक तरीका बताया, x² / 100 का। तो 10 का आप वर्ग करोगे 100, और बटे में पहले से ही 100, 100 100 कट गया, बचा 1, और हमेशा ही कमी होती है, हमेशा इस वाले केस में क्या होती है, कमी। तो आपका आंसर आएगा 1% कम। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, किसी भी मूल्य में 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो जाएगी, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, बटे में होते हैं 100, 100 से 100 काट दिया, 4 आया, और हमेशा ही इस केस में क्या होती है, कमी, ठीक है? ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए 12% की वृद्धि, 12% की कमी, तो इसको सॉल्व करने की समस्या हो, तो समझो 12 का वर्ग 144 और बटे में होते हैं 100, सिर्फ 100 से भाग कराओगे तो 0.114%, और हमेशा ही होती है इस केस में क्या, कमी, ठीक है? ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जिसमें केवल 1% दिया गया हो, यहाँ पर 2-2% दिए गए हैं, तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 25% की वृद्धि है, सॉरी 25% कमी है और फिर 20% की वृद्धि है। जब भी आपको दो बार ऐसा परसेंटेज का शेड्यूल आ जाए, तो हमने आपको एक 13-खाना फार्मूला, जो रिंच था 13-खाना फार्मूला का, वो मैंने आपको बताया था, क्या प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से इससे सॉल्व करते हैं, और इससे भी सॉल्व करते हैं, और एक दूसरा भी तरीका बताया था। दोनों तरीके बताए थे, जैसे आपको यहाँ पर 33 सही 3% आ जाए, 16 सही 1/4% आ जाए, तो कैसे चीजों पर हैंडल करेंगे, तो वो सारी चीजें मैंने इस लेक्चर नंबर 2 में समझाई थी, सुपर टेट का लेक्चर, और 10 से 15 क्वेश्चन लिए थे। तो सोचो कि 10 से 15 क्वेश्चन समझाने के बाद भी नहीं आएगा, और ये तो अभी तो आसान है, 25% कम कर देने पर 25% का मान होता है 1/4। अब कोई चीज 4 थी, उसमें आपने 1 कम कर दी तो बची कितनी? 3। अब 20% की वृद्धि कर देने पर 20% का मान होता है भाई 1/5। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कोई चीज 5 थी वो कितनी हो गई? 6। बस आपसे पूछ रहा है सकल पर क्या प्रभाव पड़ा, गुणा कर लो, 4 5 कितना? 20, और 6 3 कितना? 18। यानी कि जो चीज 20 थी वो 18 हो गई, जो चीज 20 थी वो 18 हो गई, तो क्या क्या हुआ? कमी हो गई, कितने की? 2 की। कितने पर? 20 पर। गुणन क्या लगाते हो? 100। 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ये देखो 10% की कमी, यहां से राइट आंसर हो जाएगा 10% का हास। और ऐसे भी लगा सकते हैं, -25 और प्लस की वृद्धि हो गई, यानी कि +20 और माइनस प्लस की गुणा जो होती है वो माइनस होती है, 25 × 20 / क्या? 100। अब देखो यहाँ से माइनस का 25 प्लस का 20, तो बचेगा -5, और ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 50 25, और माइनस का 5, ये -5 -5 -10, इसका मतलब जो कमी हुई है वो कितने की हो गई? 10% का हास हुआ है। ध्यान रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको पीछे सिखा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे समझाए, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे समझाए हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया था तो आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं, बड़ा आसान है, हमने बताया था बड़ा आसान, जिसमें 4 0 लगे हों वही जान लेना, ये नहीं ये नहीं, यही अपना आंसर आ जाएगा। और ये कैसे आ गया है वो चीज हम आपको फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि भाई वो आपसे पूछा गया तो आरंभिक मूल्य क्या था, तो आरंभिक मूल्य x, एक्स में अगर आप 8% की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 100 + R%, और परसेंट आके यहाँ पर 100 लगाएंगे, फिर कमी करोगे 100 की तो 100 - R%, परसेंट आके 100 = 1 रुपया आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया मूल्य हो चुका है। देखो ये 100 - R और 100 + R कैसे हो गया, कई बार बता चुके हैं, वृद्धि हो तो 100 में जोड़ो और कमी हो तो 100 में घटाओ, आर की वृद्धि है तो आर 100 में जोड़ दो, ऊपर a - b का फॉर्मूला है, एक्स बराबर देखो 4 0 होगा, 2 ये 2 ये, दोनों की गुणा करोगे गुणे में 1, तो यहाँ पर 4 0 और ये दोनों की गुणा बटे में आ जाएगी -R². तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो a+b और a - b का काम कर रहा है, तो एक बार a² - b² 100 का वर्ग करोगे यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, -R का वर्ग करोगे R², बड़ा डिटेल में समझाया था, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो भी मैंने बताया है, कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, 3 अनुपात कितना है? 2 है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्रा, यानी कि ये जो है ये छात्र हैं और इधर जो है वो छात्राएं हैं, ठीक। अब कहा जा रहा है यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो अगर आप इनमें 2 0 बढ़ा लें, हमने बताया था क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप इसका 20% निकालोगे, क्योंकि 3 का 20% निकालोगे ना, तो फिर आपको भिन्न प्राप्त होगी, 3/5, वो समस्या करेगी, लेकिन आप 300 का निकालोगे 20% बड़ा आसान से निकल आएगा, और जब अनुपात दिया गया होता तो आप उसमें कितने से भी गुणा और कितने से भाग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, तो यहां पर वो गलती ना करें जो मैंने पीछे बता दी है। कैसे? आपको बताना है इस वाले सवाल में कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, और आपको यहाँ पर जो 20% और ये 25% है ये वयस्क हैं। अब सोचो अगर एक छात्र 20% वयस्क हैं तो कितने परसेंट वयस्क नहीं है? तो 80%। अगर 20% वयस्क हैं तो
अगर 20% वयस्क हैं तो वयस्क कितने नहीं हैं, 80%, यानी कि 300 का अगर आप 80% निकाल दो तो 8 3 24 और ये 0 240, क्योंकि 2 0 तो वो परसेंट काट लेगा, बड़ा आसान है। अब 25% अगर वयस्क हैं तो कितने नहीं हैं, यानी कि 75%, और 75% निकालना बड़ा आसान, 75 का डबल कितना, 150। अब ये वयस्क नहीं है और हमको वही बताना है कि जो वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत। अब ये 240 इधर और 150 इधर, दोनों का अगर आप जोड़ें 0 0 0 हो जाएगा, 5 और 4 कितना, 9, 1 और 2 कितना, 390 हो गया, बटे में टोटल नंबर कितना था, टोटल टोटल उन विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, 300, और 200 कितना, 500, बटे में लगाएंगे 500 गुणे में लगाएंगे यहाँ 100, 0 0 काट दिया, 2 0 यहाँ काट दिया, 5 से भाग कर लो, 5 7 35, बचे कितने 4, हो गए 40, 5 8 40, यानी कि 78% राइट जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 78% राइट है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए आप, बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट करने का। एक और तरीका यहाँ पर समझो, जैसे 3 और 2 है, अब सोचो 20% अगर जो है नहीं है वयस्क, सॉरी वयस्क है तो कितने परसेंट वयस्क नहीं है, 80, ठीक। और इधर देखो 25% अगर वयस्क है तो कितने वयस्क नहीं है, 75%। तो आप क्या करोगे, तो देखो जो कम है उसको उसमें से घटा देंगे, और जो कम है उसमें जोड़ देंगे, और ज्यादा में से घटा देंगे। जैसे इधर देखो, तो अगर 80 में से 2 घटाएंगे तो 78 आएगा, अगर आप 75 में 3 जोड़ोगे तो भी 78 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। कभी कभी ऐसे भी अजमा लेना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ज्यादा में से घटाएंगे, देखो ज्यादा में से घटाएंगे क्योंकि वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। देखो 80 में से 2 घटाओ 78, और 75 में 3 जोड़ो 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। बिना लगाए ही इसको हम लोग विदाउट कैलकुलेशन के एकदम से कह सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:1 है, यानी कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि लड़कों के 75%, और यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 4 क्या है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यानी कि ये जो 4 हैं ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, ठीक। और देखो यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब सोचो अगर आप 75% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है, 25% की। अगर इधर 70 को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती, 30% की। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये हमारे काम से निकल गए, इनका कोई काम नहीं रहा। बड़ा आसान, फिर वही तरीका अपना सकते हैं आप, या तो 25 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26, या 40, ये जो 4 है 30 में से घटा दो तब भी आएगा 26%। इसका राइट आंसर यार 26%। और इसका जो है हमें बेसिक तरीका वो बता दिया है कि आप यहाँ पर 100 100 मान लो तो भी लग सकता है, आप ऐसे ही लगा लो। जो हमने आपको यहाँ एक ट्रिक इतनी अच्छी बता दी है, 25 में 1 जोड़ो 26, देखो कम वाले में जोड़ते हैं और ज्यादा वाले में घटाते हैं, 30 यहाँ ज्यादा है 4 घटाएंगे भाई, 30 में से 4 घटाओ 26, वैल्यू इक्वल आने चाहिए दोनों तरफ से, 26% इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के लड़के तथा लड़कियों का 3:3, 3:2 का अनुपात है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का, यानी कि इधर जो है वो लड़के हैं और इधर लड़कियां हैं, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब सोचो अगर 20% लड़के लेते हैं तो कितने परसेंट लड़के नहीं लेते हैं, 80। अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली विद्यार्थी हैं तो कितने नहीं लेती हैं, 70। और आपको बताना है कि जो नहीं लेते उनका परसेंट। अब फिर वही सवाल, देखो यहां से, तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर हम 80 में से 2 घटाते हैं, 80 में से 2 घटाते हैं, तो यहां पर ये चीज देख लीजिए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां, यदि 20% लड़के, ठीक है, तो 80 हो गया, और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। देखो अगर हम 80 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 78 आता है, और 70 में 3 जोड़ते हैं तो 73 आता है। ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस फिर क्या, फिर भी कोई समस्या नहीं, 2 0 यहाँ बढ़ाओ 2 0 यहाँ बढ़ाओ, 300 का 80% 24 240, और यहाँ 7 2 14 140, ठीक है, 240 और 140 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 380, कितने में से, 300 200 500,
गुणन लगा दोगे 100, दो जीरो यहाँ से कट गए, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, बचे कितने 30, बचे 3 होगा 30, 5 का 30, यानी कि 76% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76%। ठीक, तब भी कोई समस्या नहीं है। अब देख लो यहाँ पर डिफरेंट कर लो क्वेश्चन को, वो दोनों क्वेश्चन को वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 80 में से 2 घटाया था 78 आ रहा था और इधर 73 आ रहा था, जो कि वो नहीं मिल रहा था वैल्यू, आपस में बराबर नहीं हो रहे थे, तो फिर वो तरीका आपका फेल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए फिर आप यही अपनाओ, बस यहाँ पर दो जीरो आपको बढ़ाने हैं, ध्यान ये रखना है कि 20% ना निकालो, क्योंकि 20% निकालने में यार समस्या है। अब 300 का 20% जब आपने निकाला 60 निकला, और 60 को फिर आप 300 में से घटाओगे, फिर आएगा 240, क्या माथा पच्ची है। तो आप ये भी सोचो कि 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हमसे जो पूछ रहे हैं वो नहीं का पूछ रहे, तो 20 मिल रही तो 80 का नहीं मिल रहा होगा 80%, तो 300 का सीधे ना 80% निकालो, जैसा कि तुरंत एकदम आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम वहां पर नहीं ले पाए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डील हो रही होंगी अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, ध्यान दें कि 25 लीटर घोल है उसमें नमक कितना 6%, अगर हम 25 का 6% निकालें, परसेंट आगे 100 लगाएंगे, 25 से कम 25, 25 को 100, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 6% नमक की मात्रा 6%, यानी कि नमक कितना है 6%। तो अनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। ठीक, नमक कितना 6% है, वो पूछ रहा है बंदा कि कितना पानी और मिला दें। अगर आप यूं सोचे कि नमक 1.5 है 25 में से, तो पानी कितना होगा कोई बताओ जरा। अगर 25 में से आप एक घटाओगे 24, 24 में से आधा और घटाओगे 23.5, यानी कि पानी है 23.5। अब आप देखो तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक 5% हो जाए। पानी अभी है कितना 23.5 है, कितना पानी मिलाओगे, एक से पानी मिलाओगे, क्या आपने नमक को छेड़ा है, नमक को कुछ किया है, नहीं, तो नमक को ऐसे लिखा रहने दो, 1.5 लिखा रहने दो। अब ये चीज देखो कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, अब ये बताओ क्या नमक ऊपर वाला है या नीचे वाला। नमक जो है वो नीचे वाला है, नमक क्या है नीचे है, हर में है, तो देखो 5% नमक को करना है, इसका मतलब ये 5 जो है हमें नीचे लिखने पड़ेंगे। ये चीज कान खोल के समझ लो, 5 ऊपर ना टांग देना, 5 ऊपर टंग गए गलत हो गया। अब ये चीज समझो कि अगर 5% नमक है तो पानी कितने परसेंट, 95%। ठीक है, यही बात है, यहाँ से पॉइंट हटा के कुछ भी कर सकते हो, भी पहले छोड़ो 5 से काट लो, 5 से काटोगे 95 को तो 19 आएगा, कितना आएगा 19, तो छोड़ो इधर 23.5 प्लस एक्स, सीधे ऐसे गुणा करा लो 15 की, 10 बाद में लगा लेंगे। ठीक है, ये भी एक अपने आप में तरीका है, 15 से गुणा करा लो, 10 बाद में लगाएंगे, 15 नीमा होता है 135, हासिल लगे 13, 15 एकम 15 और 13, 15 एकम 15 और 13 होता है 28, और ये वो दशमलव था लगा लो 28.5, बस ये 23.5 अगर 28.5 में घटेंगे जाके तो आंसर आएगा 5, यानी कि कितना पानी और मिलाया जाए, 5 लीटर पानी मिलाया जाए, राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे ओल्ड लेक्चर भी हैं, वहां से भी आप ये चीजें कवर कर सकते हैं कि परसेंटेज बाय टू, सब ओल्ड लेक्चर हैं जो मैंने अपने पेन एंड कॉपी पर आपको समझाए थे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे आते हैं कि नमक और पानी का घोल 40 लीटर है, इसमें नमक 20% है, तो कुछ भी करें यार, जो मिलाने को कहें वो यक्ष कर देना। ये चीज ध्यान रखना कि जो लास्ट में परसेंटेज है, जैसे नमक 5% था, तो नमक अगर हमने नीचे लिखा है तो नमक को भी 5 को भी नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आप नमक ऊपर लिखना चाहते थे तो ऊपर भी लिख सकते थे, फिर 5 को ऊपर कर देना, फिर भी लग जाएगा, सवाल लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए इशारा काफी। चीनी की कीमत में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने यहाँ पर नहीं कवर किया लेकिन इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो यहाँ पर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो यहाँ से 4 निकल के आएंगे पूछने को, लेकिन 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो आरंभिक मूल्य और एक प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, यानी कि एक तो नया मूल्य और एक पुराना मूल्य, दो चीजें। अच्छा, आरंभिक और प्रारंभिक दोनों एक ही बात है, जैसे प्रारंभ में और आरंभ में दोनों एक बात यहाँ पर मान के चलेंगे, लेकिन जब कभी नया मूल्य पूछे तो वो अलग बात है, और प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य पूछे तो वो अलग बात है, ताजा मूल्य और नया मूल्य दोनों एक ही बात हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये चीज समझो, मेन चीज होता है पहचानना। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, ठीक, 20% की कमी हो गई। अच्छा, एक चीज बताओ, 20% की कमी हो गई तो जितने रुपए आप पहले ले जाते थे उतने ही रुपए आज भी ले गए,
और जो रेट जो था 20% सॉरी वृद्धि हो गई है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि वृद्धि हुई है 20% की, क्या हो गई वृद्धि। अब एक चीज समझो, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, जैसे आप 100 रुपए की चीनी पहले लाते थे और 100 रुपए आज भी ले गए और चीनी रेट 20% बढ़ गया, तो जितना किलोग्राम पहले मिलता था क्या उतना किलोग्राम मिलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि रेट बढ़ चुका है। अब रेट बढ़ चुका है, अगर आपको उतना ही किलोग्राम चाहिए तो आपके पास 100 रुपए होना चाहिए। अब वहां पे एट द प्रेजेंट टाइम वहां पे रुपए नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन, आप कहेंगे सर चीनी कम कर लो। तो यही हुआ है इस सवाल में, उसने कहा कि सर हमारे पास 120 रुपए हैं, 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, इसका मतलब उसकी 4 किलोग्राम चीनी निकल गई पहले की अपेक्षा। पहले वो 120 रुपए ले जाता था, 20% की वृद्धि हुई नहीं थी, जितना चीनी लाता था, लेकिन चीनी का रेट 20% बढ़ गया, 120 रुपए थे, रुपए फालतू है नहीं, तो ऑप्शन एक ही है कि चीनी कम कर दी जाए। तो वही हुआ कि 4 किलोग्राम चीनी कम कर दी गई, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ पहले हम चीनी कितना लाते थे। बड़ा आसान सवाल है। तो देखो यहाँ से दो चीजें आपसे पूछे जा सकती हैं कि अब चीनी कितनी मिलेगी और पहले चीनी कितनी लाते थे। तो देखो अगर आपका 20% रेट बढ़ा है और 20% रेट की वजह से इस टाइप इस क्वेश्चन को मैंने चार चार तरीकों से बताया है, यहाँ पर एक तरीका बता देते हैं। 20% की वजह से आपको 4 किलोग्राम चीनी कम मिली है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना चाहिए 4 किलोग्राम चीनी कम मिली है, ठीक है? ये माइनस का साइन आपको बड़ा हिंट करेगा, ये चीज समझो, ये पूरा प्रोसेस समझो। पहले 120 रुपए आपको अलग करने, 120 रुपए अलग, ये रुपए की बात तो अलग हो जाएगी। आप ये समझो कि जो रेट 20% बढ़ा है इसकी वजह से चीनी कितनी किलोग्राम कम मिली है, 4 किलोग्राम। तो कोई भी चीज हो यहाँ पर आपको 100% बनानी है, यहाँ पर कितना 100%। अब आप बताओ 20 को 100 कैसे बनाओगे, 20 को 100 कैसे बनाओगे? 5 से गुणा, सर कितने से गुणा? 5 से। तो 20 पंचे कितना? 100%। अगर आपने 5 से गुणा इधर कर ली तो मैथ का रूल है 5 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, 5 से उधर गुणा करो, 5 को कितना? 20 किलोग्राम। अब ये जो आया है ये आया है नया नया क्या? नई खपत। क्या आई है? नई खपत आई है, ये चीज ध्यान रखो। ये जो आती है, ये जो 100% की जो वैल्यू आती है, नई खपत आती है। क्या आती है? नई खपत। अगर वो इस सवाल में ये पूछ लें कि नया रेट क्या है, नया रेट, हम तो पुराना पूछा है लेकिन नया रेट भी पूछ सकते हैं, अभी आगे पूछेंगे ऐसे सवाल में, बहुत सारे सवाल ये हैं। नया रेट क्या है? तो बस आपको क्या है, जैसे बड़ा आसान है, 120 रुपए हैं आपके पास, आपने नई खपत यानी कि नई चीनी, चीनी अब आपको कितनी मिल रही है? 20 किलोग्राम मिल रही है। रुपए कितने पास आपके पास? 120, यानी कि 120 रुपए में आपको 20 किलोग्राम मिल रही है। तो भाई 1 किलोग्राम कितने की हो गई? 0.12, यानी कि 6 रुपए पर किलोग्राम। ये जो आया है 6 रुपए पर किलोग्राम, ये नया रेट है। क्या रेट है? ये नया रेट है, ध्यान से समझना, जाना कहीं नहीं, समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन, 5 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं ऐसे। ये जो 6 रुपए प्रति किलोग्राम है ये नया रेट है, लेकिन हमको नया नहीं, हमको पुराना चाहिए। तो बस आपको पुराना चाहिए तो आपको पुरानी खपत पता होनी चाहिए। नया तरीका बता दिया कि नया रेट अगर आपको जो है चाहिए हो तो क्या करेंगे, लेकिन हमको पुराना चाहिए इस वाले सवाल में। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस लगा हो तो जो क्या करना, माइनस लगा हो तो आप क्या करना, घटा देना। एक मिनट, माइनस लगा हो, एक मिनट कंफर्म करें, अगर माइनस लगा हो तो जोड़ देना, ये चीज समझ लेना कि अगर माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा है तो जोड़ना है आपको, यानी कि 20 में अगर आप 4 जोड़ देंगे 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम क्या कही है? पुरानी खपत। क्या? पुरानी खपत। अब यहां से एक चीज हम आपको कंफर्म करा दें, ये पुरानी खपत कैसे हुई, देखो पुरानी खपत। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि चीनी के रेट 20% बढ़ गए और एक व्यक्ति 120 रुपए में, 120 रुपए थे, 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो पहले कितनी मिलती थी? यानी कि पहले कितनी मिलती थी? 24 किलोग्राम। अब कितनी मिलती है? 20 किलोग्राम। हुई ना 4 किलोग्राम कम, हुई ना 4 किलोग्राम कम। तो बस यही आप देख लीजिए, पुरानी खपत कितनी है? 4 किलो, 24 किलोग्राम। अब कितनी है? 20 किलोग्राम, यानी कि 20 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ा 20%, इसी की वजह से 4 किलोग्राम चीनी कम मिल गई, ठीक है? तो नई खपत 100% पर निकल आती है, और पुरानी खपत के लिए क्या करना होता है, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो जोड़ देना है, और ध्यान रखें अगर यहाँ पर प्लस लग जाए तो घटा देना, ये चीज समझो। बस पुरानी खपत आ गई, पुराना रेट आ जाएगा, 24 किलोग्राम पुराना खपत है, रुपए कितने? वही 120 किलोग्राम। इसका मतलब पहले हम लोग
24 किलोग्राम चीनी लाते थे 120 रुपए में, 24 पंचे 5 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले चीनी का रेट क्या था, 5 रुपए पर किलोग्राम चीनी का रेट था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान चीजें हैं, एक बार फिर से समझ लो। ये जो परसेंटेज दिया जाता है ये 20% दिया गया है, और ये 4 किलोग्राम कम यानी कि जितनी भी मात्रा दी जाए वो लिख लेना, साइन लगा देना माइनस का। ये देखो रेट अगर बड़ा है तो चीनी इधर कम मिलेगी, चीनी हो संतरा हो सेब हो अनार हो मौसमी हो कोई भी चीनी हो, तो यहाँ पर 100% वैल्यू करना है। तो बस 5 से गुणा, 5 से इधर, ये 20 जो है ये नई खपत है लेकिन हमको पुराना रेट चाहिए, इसलिए हमें माइनस है तो यहाँ पर जोड़ देना, 24 हो जाएगा। रेट कितना है, 120, 24 से भाग कर लो, 24 पंचे 5 रुपए प्रति किलोग्राम, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम आपको लगा के दिखाते हैं और आप समझना चीजों को। देखो यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो देखो 20% का फिर वृद्धि हुआ है चीनी के रेट में, और 20% की वृद्धि हो जाए कि कोई व्यक्ति 50 रुपए में, रुपए तो अलग लिख लो यहाँ पर, 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम कम खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, यानी कि मूल्य वृद्धि के पूर्व यानी कि पहले का मान पूछ रहे हैं, तो बस 100% करना होता है, तो यहाँ कितने से गुणा, 5 से, तो यहाँ 100% हो गया। तो इधर भी अगर 2 में 5 से गुणा करोगे तो यहाँ 10 किलोग्राम हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो 10 किलोग्राम है ये नई खपत है, लेकिन हमको पुराना रेट चाहिए तो पुरानी खपत पता होना चाहिए। तो माइनस लगा जोड़ दो, 10 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम। बस अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, ध्यान देखें कि मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, तो 12 किलोग्राम खरीदी जा सकती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम। बस यही राइट आंसर है, कुछ नहीं करना, ये 50 रुपए फालतू में दे दिए गए यहाँ पर, 50 रुपए का कोई यूज हमने नहीं किया, राइट आंसर हमारा हो चुका है, बस 12 किलोग्राम। अगर आपसे पूछ लेते कि पुराना रेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये मात्रा पूछना है, पुराना रेट पूछते तो बस 12 से भाग कर लेते, यही हमारा राइट आंसर हो जाता। बात 4 4 48 4 2 आते 20 हो जाते, तो 12 1 12 यानी कि 4 दशमलव समथिंग के, ठीक है, तो ये हमारा रेट निकल के आ जाता है, ठीक। लेकिन अगर यहां पर आपसे नई खपत पूछे, नई खपत, तो फिर नई खपत क्या हो जाएगी, नई खपत हो जाएगी 10 किलोग्राम, यानी कि अभी अभी कितना खाते हैं, ये तो पूर्व की पूछ रहे हैं, पहले की, अभी कितना खाते हैं 10 किलोग्राम। अगर अभी का रेट पूछते तो रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं, 10 किलोग्राम मिलता है तो 1 किलोग्राम कितने की, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी समझिए चीजों को, रुके रहिए अभी। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, देखो भाई अब की बार 20% की कमी हो गई। अब आप 20% की कमी हो जाएगी तो अब आपको चीजें ज्यादा मिलेगी, जैसे सोचो सोचो आप रुपए लेके गए मार्केट में, 100 चीनी मंगाई घर से 100 रुपए में, आपको पता था कि रेट है चीनी का 20 रुपए पर किलोग्राम और हमें 100 रुपए दिए गए, वो 5 किलोग्राम चीनी हमें देगा। लेकिन जब बाजार में पहुंचे तो पता चला चीनी का रेट 20 रुपए की बजाय कम हो गया है, 16 में हो गया, ये 10 में हो गया, तो चीनी जो है आपको 100 रुपए में 10 किलो मिल जाएगी, पहले 5 किलोग्राम मिल रही थी। तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो रुपए बचा लो या तो चीनी ज्यादा ले लो, तो इस बार वो कहेगा चीनी बढ़ा दो, है ना। ऐसा है कि चीनी के भाव में 20% कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में, देखो कितने, 36 रुपए में 500 ग्राम, देखो ध्यान दें यहां पर यूनिट किस में है, 500 ग्राम है, 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम, देखो किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, प्रारंभिक पहले वाला भाव, तो पहले तो हमें देखो ये देखो चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, अधिक खरीदता है क्यों, क्योंकि हमको प्रारंभिक चीजें बतानी है, प्रारंभिक ना बतानी होती तो कोई समस्या नहीं, 100% बनाना है, तो 20 को 100 से बनाने के लिए 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा, 5 से इधर गुणा करोगे तो 2500 ग्राम हो जाएगा। 2500 ग्राम को अगर हम किलोग्राम बनाएंगे तो बस हमको क्या करना है, एक एक बार बाद में बनाते हैं। देखो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो हमको पहले प्रारंभिक खपत निकालनी पड़ेगी, यानी कि पुरानी खपत। हमने बताया था अगर आपको प्लस लगा हो तो घटा देना, यानी कि 2500 में अगर हम 500 घटा देंगे तो पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम को हम लोग 2 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो बस अब आप चीनी कितनी खरीदते थे पहले, 2 किलोग्राम कितने रुपए में, 36 रुपए में, तो सॉरी 36 रुपए में, तो 1 किलोग्राम कितने की, 18 रुपए की। देखो आपसे पूछा जाए चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव 18 रुपए, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बस सिंपल सी बात हो गई, ना समझ में आती तो उसे समझ लीजिए, क्योंकि इसका पूरा माइंड में बना होना चाहिए। 20% कम हो गया, यहाँ 500 ग्राम चीनी ज्यादा मिल गई, 100% बनाना है, 2500 ग्राम हो गया।
अब हमको प्रारंभिक बताना है यानी पहले का, तो पहले की खपत निकालनी पड़ेगी और इसके लिए तरीका हमने बता दिया। अगर यहाँ प्लस लगाओ तो घटा देना, 2500 में 500 घट गया 2000 ग्राम, क्योंकि हमको मामला किलोग्राम में बताना है, तो हम भैया 2000 ग्राम को 2 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। अब आपके पास रुपए कितने हैं, 36 रुपए हैं, तो 36 रुपए में 2 किलोग्राम लेते थे तो 1 किलोग्राम कितने की, 18 की, 18 आएंगे कैसे, 2 से बात करके 18 रुपए प्रति किलोग्राम, बस ये यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने कितने सारे क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने से, देखो 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपए में, रुपए तो अलग कर लो, 10 किलोग्राम अधिक, 10 किलोग्राम अधिक है तो प्लस का साइन लगाओ, अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, इसका मतलब समझ लेना कि नया मूल्य, क्या नया मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। नया मूल्य के लिए यहाँ प्लस लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसका यूज नहीं करना है। तो 25% बराबर 10 किलोग्राम है तो 100%, तो बस 4 से गुणा, 25 × 100%, इधर भी फिर 4 से गुणा, 40 किलोग्राम, बस। अब हमको प्लस लगा है तो माइनस नहीं करना है, 30 नहीं करना है, क्योंकि 30 तो तब करेंगे जब हमको प्रारंभिक पूछेंगे, जब कभी पूछे चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य या घटा की जगह बढ़ा हुआ मूल्य लिखाओ, दोनों एक ही बातें हैं, कंफ्यूज मत होना, वो नया मूल्य ही आपसे पूछा जा रहा है। नया मूल्य जानने के लिए आपको नई खपत निकालनी पड़ेगी, और जो 100% की वैल्यू होती है वो नई खपत ही होती है। क्या होती है नई खपत, यानी कि अब कितना खपत करते हो, 40 किलोग्राम, कितने रुपए हैं, 600 रुपए, तो 40 किलोग्राम मिलता है 600 रुपए में, तो 1 किलोग्राम कितने का, 15 रुपए पर किलोग्राम, राइट आंसर 4th। बात समझ में आई, 1 किलोग्राम 15 रुपए का, 40 किलोग्राम 600 रुपए का, 15 × 60 600 हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। बस आपसे यही पूछा जा रहा था, अगर आपसे यूं पूछा जाता कि प्रारंभिक बताइए आरंभिक बताइए दोनों एक ही बात है, तो बस आपको प्लस लगा है तो घटा देना, 40 में से 10 गए कितना, 30 किलोग्राम पहले खाते थे, और रुपए कितने हैं 600, फिर 30 से भाग कर लेते, फिर अपना रेट आता 20 रुपये पर किलोग्राम, अब कितना है 15 रुपये किलोग्राम। ऐसा क्या हो गया, क्योंकि रेट घटा है ना 25%, तो इसीलिए 20 रुपये की चीज 15 रुपये में बिक रही है, इसीलिए लोगों ने 10 किलोग्राम चावल अधिक ले लिए। हाँ, अगर चीजें कम होती है ना रेट, तो हम चीजें ज्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, तो देखो 50% की वृद्धि तो क्या होगा, 24 रुपये में, 24 रुपए तो अलग लिख लो, 4 अंडे कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान यानी कि वर्तमान भाव क्या होगा, प्रति दर्जन, ठीक है, बस समझो 50% 4 है तो कोई भी कीमत में 100% बनाना है, 100% 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी हमको क्या 2 से गुणा करनी चाहिए, 8 हो गया, यानी कि 8 अंडे हो गए। अब हमको क्या बताना है, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या है, आपके पास रुपए कितने हैं, 24 रुपए, ठीक, ओके, और अंडे कितने हो गए 100%, यानी कि ताजा अंडे कितने लाए हो, यानी कि ताजी खपत कितनी है, 8। अब ये नहीं करना है माइनस लगाए तो 8 × 4 = 12 कर लो, ठीक है, ये चीज समझो कि एक दर्जन बनाना है हमको पहले, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव, तो 8 को एक दर्जन कैसे बनाओगे, 12 से भाग कर लोगे, तो बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खपत कितनी हो गई, 8/12 से यहाँ भाग कर लो, 8 × 3 = 24 और 12 × 3 = 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 रुपए पर दर्जन, ठीक है, कितना 36 रुपए पर दर्जन, ठीक है, ओके। या ऐसे भी बोल सकते थे कि एक अंडे का जो है निकाल लो, एक अंडा कितने का, देखो आपके पास कितने रुपए हैं, 24 रुपए है, आपको कितने अंडे मिल रहे हैं, 8, तो एक अंडा कितने का, 8 × 3 = 24, 3 रुपए का एक अंडा, और एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12, तो एक दर्जन में अंडे होते हैं 12, एक अंडा है 3 रुपए का, तो 12 अंडे कितने के, 12 × 3 = 36 रुपए, 36 रुपए पर दर्जन, ठीक है, क्योंकि हमको प्रति दर्जन अंडे पूछा गया था, अगर एक अंडे का रेट पूछा जाता तो फिर अपना आंसर होता है 3 रुपए पर जो है अंडा, ठीक है, लेकिन आपसे दर्जन पूछ रहे थे तो आपको हमको 12 से गुणा करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक अंक प्राप्त किए, अधिकतम अंक बताइए। तो जब हमने ये चैप्टर करवाया था, ये परसेंटेज जो चल रहा है, तो इस टाइप के मैंने 10 से 12 15 क्वेश्चन लिए थे और हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो ये कि अधिकतम अंक को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम
जो है नंबर, या यूं कह सकते हैं पूर्णांक, पूर्णांक अधिकतम अंक क्या होता है पूर्णांक। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक और फिर पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत। जैसे हम लोग हाई स्कूल का कंपेयर कर लें कि हाई स्कूल में टोटल जो पूर्णांक होता था वो 600 नंबर का था, पास होने के लिए हमको कुछ न्यूनतम अंक होने थे और पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत भी था कि 33% से कम आओगे फेल हो जाओगे। इसी प्रकार तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक बंदा है इस जो है वो कह रहा है आपसे कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी के 30% अंक आए, वो 6 अंकों से फेल हो गया। तो हम जब इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे तो हमने बताया था कि किसी भी हालत में हमको बच्चों को पास करना है। वो तरीका एक है कि जो जिस बच्चे को 40% अंक मिला हुआ है और जितने में वो पास होना था उससे देखो, और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक हैं तो इसके 6 अंक हम लोग ले लेंगे। और एक बंदे को जिसको हम लोग 30% अंक मिला हुआ है और जितने में पास होना था वो 6 अंकों से फेल हो गया, इसको हम लोग 6 अंक दे देंगे। ठीक, ऐसा हम लोग करते हैं कि जिसके ज्यादा हैं उसके हम लोग कम कर लेंगे और जिसके कम है उसको हम लोग मतलब बढ़ा देंगे और बीच में लगा देंगे बराबर। ठीक, अब हम लोग परसेंटेज परसेंटेज में से घटा लेंगे और अंक अंक में से। तो देखो ये 30% 40% में से घटने जाएंगे क्योंकि भैया बराबर के उधर है और जब बराबर के उधर जाओगे तो प्लस की चीज माइनस की हो जाएगी, तो 10% वैल्यू यहाँ पर बचेगी। ये चीज समझो, 6 में से 6 0 नहीं बचेगा, अब ये माइनस का 6 है और माइनस का 6 है जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस के 6 पहले से ही है। इसका मतलब 10% बराबर जो वैल्यू है वो 12 है, 10% वैल्यू बराबर 12 है। और आपसे पूछ रहे हैं अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक का मतलब समझ लो पूर्णांक, और पूर्णांक जब भी पूछे इसका मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। कितने की? 100% की। ठीक, तो भाई 10% अगर 12 को बताएगा तो 10 को हम लोग 100% कितने कितने से गुणा कर लें, 10 से, यानी कि 10 में 10 से गुणा करेंगे 100% हो जाएगा और 12 में 10 से गुणा करेंगे 120। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने हैं, पूर्णांक कितने, 120। राइट आंसर 120। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना चाहिए, राइट आंसर जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ओके, यहाँ से और भी हम क्वेश्चन बता देते हैं जो आपको पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता होगी वो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर पूर्णांक तो यहाँ पर आपका आ गया है 120। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम यहाँ से बता सकते हैं, तीनों क्वेश्चन बता देते हैं। देखो यहाँ पर 10% बराबर वैल्यू आ जाए, अब देखो जो इधर लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है कि पास होने के लिए इतने अंक होने चाहिए, इधर भी पास होने का सिलसिला है और इधर भी पास होने का सिलसिला है। अगर आपसे यूं पूछा जाता कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो देखो एक बंदा जब 30% अंक लाया तो वो 6 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये 6 अंक और 30% हमको चाहिए तो हम पास हो जाएंगे। अब ये सोचो कि 30% में कितना अंक है, अब ये चीज ये बताएगा, यहां से वैल्यू पता चलेगी। 10% में अंक है 12, तो 10 को 30 बना सकते हो, हाँ बिल्कुल, कितने से गुणा, 3 से गुणा, तो यहाँ 30% हो जाएगा। तो भैया अगर आप 10 में 3 से गुणा करोगे तो 12 में भी 3 से गुणा करने पड़ेगा, 12 36 अंक। इसका मतलब 30% में कितने अंक आते हैं, 36, और 36 अंकों से बंदा पास नहीं होगा, 6 और चाहिए, 36 6 42, यानी कि पास होने का जो न्यूनतम प्रतिशत है, सॉरी अंक है, पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है इस वाले सवाल के लिए वो 42 है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछते कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है तो वो भी बता सकते हैं। कैसे, कि एक बंदा जब 30% अंक लाया, अच्छा जो चीज हम इधर कर रहे हैं वो चीज आप इधर भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। आप देखो 10% की वैल्यू बराबर 12 है तो यहाँ पर अगर आप 40% की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से गुणा इधर करोगे, 4 से 2 5 4 48, 48 में से जब आप 6 घटाएंगे तो भी 42 आ जाएगा, बहते ही आ जाएगी दोनों एक तरफ से। तो देखो हमें अगर आपका न्यूनतम प्रतिशत बताना हो तो क्या करेंगे, देखो 30% में बंदा पास नहीं हुआ है, 6 अंक और चाहिए, इसका मतलब हमें ये पता चल जाए कि 6 अंक में कितना परसेंट, हमें ये पता है कि 12 अंक में 10%। 12 को 6 कैसे बनाओगे, 2 से भाग कर लो, 6 से भाग कर लिया भाई, 12 में अगर आपने 2 से भाग किया तो 10 में भी इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इसका मतलब 6 अंक में 5%, 6 अंक में 5%। देखो 30% चाहिए और 5% और 30 और 5 35% में पास होगा। तो तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं इस वाले क्वेश्चन में, जो है समझदार के लिए क्या ये सारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो आपने रिसेंटली सीखा होगा, जो मैंने आपको सिखाया है
बड़ा आसान है, उससे जो पूछा जा रहा है वो कुल आय कितनी है। तो कुल आय हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स में से 20% मकान के किराए पर खर्च कर लिए तो बचे कितने 80%, परसेंट आके 100 लगाएंगे। और कह रहे शेष, सोचो अगर ये शेष ना लगा हो, शेष का ही कमाल है, अगर ये शेष ना लगा हो तो फिर हम लोग सवाल कैसे करेंगे। 20 और 70 को जोड़ लेंगे, 90% खर्च कर लिया, बचा कितना 10%, तब हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन ये शेष का ही कमाल है जो हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। देखो अब 1 घंटे से ज्यादा हो गए ना, मेरा भी थोड़ा गला सूखने लगा है। देखो एक व्यक्ति की आय हमने 80 मानी है और नीलम ने अपनी 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया है, और शेष बचा कितना 80%, और शेष का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा दी। अगर 70% घरेलू मदों पर खर्च कर लिया तो बचा कितना फिर 30%, परसेंट आके यहाँ पर 100 लगाएंगे। और शेष बचा हुआ है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, बराबर हम लोग 3600 कर लेंगे। ये चीज यहाँ पर ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, ये कब आएंगे जब शेष लगा हो। मैंने बड़े अच्छे से समझाया है कि अगर शेष वाला सवाल हो तो शेष वाले सवाल में आपको क्या करना है, गुणे में एक्स मान लेना है, और बस जैसे 20 है तो 80/100, यहाँ 70 है तो 30/100, ऐसे करके आगे बढ़ते रहना। बराबर में जो दिया गया वैल्यू 3600 के बराबर में लेना। अगर ये शेष ना लगा हो तो फिर आप 20 और 70 को जोड़ो और फिर 100 में से घटा लो और बराबर में जो दिया गया उसके बराबर कर दो। ठीक, क्वेश्चन को देखना पड़ता है सिचुएशन को। 2 जीरो यहाँ से काट दी, 2 जीरो यहाँ से काट दी, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 2 6, 4 से काट दो, 4 2 8 और 4 3 12, ये 2 जीरो तो यहाँ पर आपके बचे ही रहेंगे। 2 से यहाँ काट दो, यहाँ 50 आ जाएगा, तो x बराबर कैसी गुणा हो गई, 5 3 15, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 15,000 राइट आंसर हो जाएगा, 15,000 फर्स्ट इसका राइट आंसर। ओके, समझना चीजों को बड़े आसान है, पीछे से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने यहां से आपको रिवीजन कर दिया है और बड़े अच्छे से कवर भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, जैसे इसकी वर्तमान जनसंख्या 44:10 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। देखो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है 44:10 से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो आ रही है वो 5% की दर से वृद्धि होकर आ रही है। अभी आपकी जनसंख्या 44:10 है और पहले की पूछ रहे हो, और पहले की जो संख्या है वो आ रही है वो 5% की दर से बढ़कर आ रही है। बड़ा आसान है, तो देखो पहले की जनसंख्या हम लोग एक समान लेते हैं और 5% की दर से वृद्धि हो रही है तो 105/100 कर लो, और 2 वर्ष हो रही है तो हम लोग 105/2 बार लिख लेंगे, बराबर कितने 44:10, यानी कि अब ये बढ़कर 2 साल में कितनी हो गए 44:10 हो गए। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से देखो 5 से काट लेंगे, 21/20, 5 से काट दोगे 21/20, 21 21 की गुणा होती है 441, ये 441 441 कट जाएंगे, 20 20 की गुणा होती है 400 और ये वाला 0, 4000 राइट आंसर हो गया, सेकेंड राइट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन को मैंने बड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास भी किया था, आप जरूर उन क्वेश्चन को देखें। आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो सुपर टेट सीरीज को जरूर हमारी देखें, क्योंकि तो वहां से आपको जरूर हिंट मिलेगी जिन लोगों की मैथ वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव के आधारित पर, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने के बाद में ये चुनाव वाला देखिए कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कोई भी चीजें होती हैं हम लोग 100% मान के चलते हैं, समझना चीजों को। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला है, अगर 100 में से 40% एक को मिला होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिला होगा 60%। 40% मत मिले हैं और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, जाहिर सी बात हार जाना है आपको। अगर आपको 40% मिला है तो दूसरे को बंदे को 60% मिला होगा, वो जाहिर सी जीत जाएगा। हारा कौन, ये 40 वाला कितने परसेंट से हारा, ये चीज बताओ, 20% से हारा। और जबकि ये सवाल कह रहा है कि 298 मतों से हारा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं बराबर कितने 298 है ना, दोनों एक ही बात हो गई ना। फिर देखो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखो डाले गए कुल मतों की संख्या जब भी पूछेंगे इसका मतलब वो वैल्यू जो पूछना चाह रहा है वो 100% की पूछना चाह रहा है। आपके पास जो 20% बराबर 298 है तो 20% को 100% बना सकते हो। हाँ, कितने से गुणा, 5 से गुणा, तो 5 से इधर भी, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 2 10 और 4 14, 1490 राइट आंसर हो जाएगा। आसान लग गया ना। देखो एक चीज समझ लो यहाँ पर कि जब भी 2 उम्मीदवार हो, जैसे यहाँ समझ लिए 100% वोट था, अगर एक उम्मीदवार को 20% मिला, 40% मिला है, तो हम लोग 100 में से 40% 40, तो इसका मतलब उधर दूसरे को 60 मिला होगा। हारा जीती का फैसला कितने परसेंट का, ये चीज समझो,
इन दोनों में अंतर ही हारा जीती होता है। तो 40 और 60 में 20% का अंतर, 20% का अंतर, इसका मतलब 20% हारे हैं और इधर 298 से हारे हैं दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन समझो, ये भी क्वेश्चन मैंने बड़ा डिटेल समझाया है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए पीछे, दूसरा लेक्चर सुपर एट का दूसरा लेक्चर। देखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। 10% का मतलब होता है 1/10। जब भी आयतन की बात हो तो चीजों को हमें 3 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बार ही दिया गया भुजा, क्योंकि घन की भुजा प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर दिया तो एक ही बार, लेकिन हमको समझना चाहिए चीजों को। 10% बड़ी है, बड़ी है तो इसका मतलब 10 थी, तो अगर 10 में एक बड़ी है, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब अगर कोई भुजा 10 है, 10 में एक बड़ी है, तो कितनी होगी 11, और ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। 10 10 10 कितना 1000, 11 11 कितना 1331। अब कोई चीज 1000 थी, वो 1331 हो गई, कितनी बढ़ी 331, कितने से बढ़ी 1000 से बढ़ी, गुणे में क्या लगा हुआ है 100% के लिए भाई। अब 331/10 जब भाग करेंगे 33.1% की वृद्धि। राइट आंसर सी। ओके, बड़ा आसान चीजें हैं और बड़ा डिटेल में समझाया था, वहां पर आप जरूर जाइए और समझिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है भाई, 100% मान लेते हैं, 100 यूनिट 100 यूनिट, अगर 75% मतदाताओं ने डाले हैं तो 75% मतदाताओं ने डाले यानी 75 वोट बढ़ गए, उनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। अब सोचो 75 में अगर 2% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने 98%, ये चीज समझ रहे हैं, तो इसका मतलब 75 का 98% आगे 100 लगा सकते हैं। अब ये चीज समझो, ये क्या है, ये कुल मत है, और ये क्या है, ये डाले गए मत है, डाले गए मत, और ये क्या है, ये वैध मत है, समझे गए। मतलब कुल मत कितना है 100, और डाले गए भाई 25 नहीं डालने गए, ये भी कह सकते थे कि एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इसका मतलब कितने से डाले 75, फिर हम लोग फिर 75 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही 75 बोल दिया गया, तो 75 लिख लिया गया। फिर कह रहा है जितने ने डाले उसमें से 2% खराब निकल गए, तो 98% सही है, तो 75 का जब ने 98% बिल्कुल ऐसे लिख लिया वैध है, सही होने का मतलब क्या है, वैध है। अब कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, यानी कि वैध मतों के 75%, वैध मत कितना है 75 गुणे 98/100, ये वैध मत है, और वैध मतों का 75%, जो वैध मतों के 75%, अगर इसका हम लोग 75% निकाल दें और ये बराबर किसके हैं 9261 के, ऐसा ये सवाल कह रहा है। अरे एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो वैध मतों के 75% थे, भाई वैध मत हमने ले लिया, उसका 75% बराबर 9261, बस अब हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लो भाई, 25 थी 75 25 चौकू 100, ठीक। अब देखो यहां से, देखो ये टोटल ऊपर जो वैल्यू बन रही है 3 3 9 है, एक ही बार कर लेते 3 3 9 ये होगा, 9 1 9 ना जाने का 0 और 9 2 18 बचे कितने 8 9 81, ठीक। अब हम लोग कितने से काट देते हैं, ये 98 है इधर बचे हुए हैं, काटो भाई 7 से काट दो, तो 7 से काट देंगे, 7 1 7 और 7 2 बचे, 7 4 28, 7 से इधर काट लो, 7 1 7 बचे 3 हो गए 32, 7 4 28 बचे 4 हो गए 50, 7 7 49, फिर 7 से काट दो, 7 2 14 7 1 7, फिर ये 2 बचे हैं, 2 1 2 2 2 4, नीचे कितना होता है 4 2 8, 8 से इधर कैची गुणा होगी, 8 1 8 और 8 2 16, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 168। हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पंजीकृत का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल मत 100 थे वो, 1 बराबर अगर 168 है तो 100 बराबर कितना, 100 से गुणा इधर, 100 से इधर, यानी कि 16800 राइट आंसर हो जाएगा, 16000 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा 16800। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, लिखना कॉपी एंड पेन पर, समझना कि चीजों को हमने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, किसी को फिर भी कोई डाउट है तो हमसे जरूर संपर्क करना, व्हाट्सएप जो भी है चीजों को कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने, कोई भी हो, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग लाभ और हानि स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज आपका कंप्लीट है। थैंक यू सभी लोगों को, और इस लेक्चर को जरूर शेयर करना यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में चीजों को, ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार।